All right. So application, second application of inductive effect is, first application हमने देखी stability और second is acidic and basic strain. थोड़ा सा topic जो है ना equilibrium से आता है, पर तुम्हें समझ आएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है. कोशिश करोगे समझने की तो easy. देखो हमारे पास acid है, हमसे पूछा जा रहा है which is stronger acid. One is ethanoic acid. ये कौन सा acid है? Which is strongest acid here? One is ethanoic acid. Other is propanoic acid. This is propanoic acid. And third is fluoroethanoic acid. Fluoroethanoic acid. Which is strongest acid and why? ठीक है, तो ये वाली क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें हमें नहीं पता, तो मैं स्टार्टिंग से तुम्हें अप्रोच बताता हूँ क्या रहेगी. कोई वैसे गेस करना चाहेगा? ए बी एस सी, ए बी एस सी, इथेनोइक, प्रोपेनोइक या फ्लोरो? इथेनोइक, इथेनोइक. थोड़ा सा हाँ सोचो समझो तो. हाँ ठीक है, देखो एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं. कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड माने जैसे तुम पढ़ने में वीक हो, थोड़ा टाइम पढ़ते हो थोड़ा टाइम सो जाते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते हो सो जाते हो, पढ़ते हो सो जाते हो. तो पॉइंट इज ऑर्गेनिक एसिड भी ऐसा है, थोड़ा टूटता है फिर जुड़ जाता है, फिर टूटता है फिर जुड़ जाता है. तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम माने कि आगे और पीछे बराबर चल रही हो रिएक्शन, टूट भी रहे हो और बन भी रहे हो. तो ऐसी चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है. अब ये ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड होता है प्रोटॉन डोनर. क्या होता है? प्रोटॉन डोनर. जो प्रोटॉन दे रहे वो एसिड. तो जब भी एसिड अपना प्रोटॉन दे देते हैं वो बन जाते हैं कॉन्जुगेट बेस. क्या बन जाते हैं? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है. अगर एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाते हैं और कॉन्जुगेट बेस एसिड बन सकते हैं, तो कितना एसिड टूटेगा विरल वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, एसिड ज्यादा स्टेबल है या कॉन्जुगेट बेस. जो ज्यादा स्टेबल होंगे वो ज्यादा बनेगा, ठीक है ना. अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन इधर जाएगी आगे की तरफ और H+ ज्यादा रिलीज होंगे. H+ क्या होंगे? ज्यादा रिलीज होंगे तो एसिड स्ट्रांग होगा. तो एसिड वो स्ट्रांग होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो, ठीक है. तो एसिड्स स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं हुआ तो H+ भी नहीं निकलेगा. कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल नहीं हुआ तो H+ भी नहीं निकलेगा. समझो मेरी बात. इट्स लाइक कि हैम्पर्स हैं चिप्स और चॉकलेट्स के, चिप्स हैं और चॉकलेट्स, तो ये टूट कर देता है चिप्स और चॉकलेट्स. अगर किसी को चिप्स की जरूरत होगी तो चॉकलेट एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा. अगर चिप्स स्टेबल होंगे तो चिप्स बनने के लिए वजह से चॉकलेट्स भी साथ ही मिलेंगे. चिप्स और चॉकलेट का अगर हैम्पर खुलेगा तो चिप्स भी निकलेंगे और चॉकलेट्स भी निकलेंगे, है ना. चाहे किसी को चॉकलेट चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चिप्स किसी को चाहिए तो उसके साथ साथ चॉकलेट्स भी निकलेगा. तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एच प्लस निकलेगा. कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा तो एच प्लस निकलेगा, मतलब वो एसिड स्ट्रांग होगा. वो एसिड क्या होगा? क्योंकि वो टूटता ज्यादा है,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एसिड्स दे रखा है, हमें पहले इसकी कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए उसका एच प्लस निकाल देना है, ठीक है। तो इन तीनों को कॉन्जुगेट एसिड बना, बेस बना देते हैं इनका। इथेनोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा ये, अच्छा प्रोपेनोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा ये, और CH2C फ्लोरो इथेनोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा ये। तो ये उनके क्या हो गए? कॉन्जुगेट बेस। अब क्वेश्चन आसान हो गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा विरल वो ज्यादा एसिडिक होगा, उसका एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब ये चीज तो हम इंडक्टिव से एप्लीकेशन नंबर 1 में कर चुके हैं, तो तुम मुझे बता दो किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ए बी सी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सी, करेक्ट। सोचो मेरी बात, चार्ज बुरा होता है, चार्जेस आर बैड, तो माइनस चार्ज को हटाना है। माइनस चार्ज को हटाने वाला कौन होगा? जो माइनस चार्ज डोनेट करता है या जो खींचता है? जो खींचता है वो माइनस चार्ज को कम करेगा, तो दैट मीन्स फ्लोरो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा इफेक्ट? और माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेस द आयन, अनायन, अनायन को स्टेबलाइज करता है माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज देता है, डोनेट करता है, तो नेगेटिव चार्ज देने से इस पे नेगेटिव और बढ़ जाता है और वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज दिया अनायन। अच्छा अगर फ्लोरो स्टेबलाइज करता है इस अनायन को यानी कॉन्जुगेट बेस को, तो कौन सा एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ? फ्लोरो एसिटिक एसिड। जिसका जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है उसका एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो दैट मींस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ फ्लोरो इथेनोइक एसिड, फिर नेक्स्ट कौन हुआ? इथेनोइक एसिड, और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। अभी डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है तो बताओ, क्लियर है या डाउट है? क्लियर है। उसका एसिड स्ट्रांग, जिसका कॉन्जुगेट सबसे वीक स्टेबल लेस स्टेबल उसका सबसे वीक एसिड, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। तो एसिड बेस में ऐसे टॉपिक्स लगते हैं। जाओ होमवर्क पीछे का भी दिखा दो एक बार, दिखा दिया था।